भाई आप लोगों की बहुत ही ज्यादा डिमांड आ रही थी भाई न्यू ग्राफिक कार्ड की वीडियो लेके आओ। अभी मुंबई में क्या प्राइसिंग चालू है लैमिंगटन रोड के अंदर, तो अभी मैं लैमिंगटन रोड के अंदर, मेरे पीछे आप लैमिंगटन रोड की पूरी मार्केट देख सकते हो। और जिस स्टोर पे आया उसका नाम है इन्फिनिटी गैजेट। और काफी ज्यादा दिन हो गए ग्राफिक कार्ड की प्राइसिंग बताया आप लोगों को, काफी ज्यादा दिन हो गए ग्राफिक कार्ड की वीडियो आए, तो अभी हम इन्फिनिटी गैजेट के अंदर चलते हैं, सभी प्राइसिंग के बारे में जानते हैं और अभी क्या लेटेस्ट प्राइसिंग हो चुकी है और क्या स्पेशल ऑफर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, आगे हम स्टोर के अंदर, मेरे साथ में हर्ष भाई। हर्ष भाई कैसे हो आप? बस दीपू भाई आप बताओ। बहुत बढ़िया। और हमने यहाँ पे जितने भी हमारे लेटेस्ट सीरीज के ग्राफिक कार्ड है सारे यहाँ पे लगा लिया। 4000 सीरीज पे ज्यादा ध्यान रखा जाएगा, 3000 सीरीज के बारे में बात करेंगे, वो 4000 सीरीज पे ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। जो मेन फोकस हमारा भी है सीरीज में 4000 सीरीज ग्राफिक कार्ड के ऊपर ही है, क्योंकि भी 3000 सीरीज में ऑलमोस्ट जो 3060 है जो डिमांडिंग ग्राफिक कार्ड था वो डिसकंटिन्यू हो गया। अब मार्केट में मिल भी रहा है तो 3050 और 3060 मिल रहा है बॉक्स पैक, और वो भी बहुत मतलब कम, अभी बोलते ना कम स्टॉक बचा है, और उसमें इतना भी हमारा भी फोकस नहीं और कस्टमर्स का भी लेने का फोकस नहीं। अभी जो मेन अपना है वो 4000 सीरीज जितने भी ग्राफिक कार्ड है उसको कवर करना है। प्राइसिंग को स्टार्ट करने से पहले एक बार आपकी स्टोर पे किस तरीके से आसानी से आ सकते हैं उसके बारे में बताओ, किन किन चीजों में आप डील करते हो? तो गाइस बात करूं हमारा स्टोर इन्फिनिटी गैजेट्स की, तो इन्फिनिटी गैजेट्स मुंबई ग्रैंड रोड ईस्ट लैमिनेट रोड में पड़ता है। अगर बात करूं कैसे आप आसानी से हमारे स्टोर पे आ सकते हो, तो आप ग्रैंड रोड स्टेशन की ट्रेन पकड़ लो, ग्रैंड रोड स्टेशन पे उतर के ईस्ट में 5 to 10 minutes का हार्डली वॉकिंग डिस्टेंस है, एक्जैक्ट पुलिस स्टेशन के गेट के सामने हमारा इन्फिनिटी गैजेट स्टोर पड़ता है। और अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है स्टोर ढूंढने में तो आप हमको कॉल कर सकते हो ग्रैंड रोड स्टेशन पे आके, मेरा बंदा भी आपको पिकअप करने आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, पर उससे पहले मेरे को एक बार सर्विस के बारे में बता दीजिए। सर्विस ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है, लेकिन अभी फिलहाल सीओडी अवेलेबल नहीं है, जैसे पुरानी वीडियोस में भी हमने आपके वीडियोस में बोला है, क्योंकि सीओडी ऑप्शन इसलिए अवेलेबल नहीं है। हमने बहुत से डिलीवरी पार्टनर्स के साथ में बात किया लेकिन वो जमा नहीं मामला, इसलिए हम लोगों ने भी सीओडी बंद रखा है। आपको कोई भी कंपोनेंट्स चाहिए, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हो, आप डिलीवरी मतलब लोग डिलीवरी कर देंगे, लेकिन जो भी सम ऑफ द अमाउंट आपको पहले एडवांस देना पड़ेगा, उसके बाद जैसे आपको कोरियर रिसीप्ट भेजेंगे उस टाइम पे आपको पूरा पेमेंट करना रहेगा। ठीक है, बात करें ईएमआई की, अगर ईएमआई पे कोई पीसी बिल वगैरह करा, ईएमआई जो भी मुंबई डिस्ट्रिक्ट के अंदर के जो मुंबई के हैं उनके लिए बजाज ऑप्शन और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पे भी ईएमआई अवेलेबल है, लेकिन आउट ऑफ द मुंबई लाइक दूसरी स्टेट से गुजरात राजस्थान कोई भी अदर स्टेट से, तो उनके लिए भी बजाज कार्ड का तो ऑप्शन हमारे पास नहीं है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपना 1650 से स्टार्ट करते हैं। बात करूं दीपक भाई एंट्री लेवल ग्राफिक कार्ड से, तो मेरे पास में आपको मिल जाएगा 1650 4GB का GDDR5 128 bit का ग्राफिक कार्ड है। अगर उसके बात करूं कोडा स्कोर की तो वो आपको आ जाएगा 896 कोडा स्कोर उसके अंदर आ जाएगा। और बात करूं उसके प्राइसिंग की तो 10400 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस में आपको मिल जाएगा 1650। फिर दूसरा ग्राफिक कार्ड की बात करूं अगर एंट्री लेवल में रेडियन में, तो आपको आ जाएगा RX 560 GDDR5 एडिशन 4GB डुअल फैन एडिशन रहेगा ASUS ROG का, वो भी आपको प्राइसिंग अराउंड बैठ जाएगा 9200 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस। फिर अगर थोड़ा ऊपर सीरीज 8GB अगर आप डेडिकेटेड ग्राफिक्स देख रहे हो एंट्री लेवल का, तो आपको आ जाएगा ASRock की तरफ से RX 580 8GB का GDDR5 एडिशन का ग्राफिक कार्ड आ जाएगा आपको। उसके अगर मैं प्राइसिंग बोलूं तो वो आपको अराउंड जाएगा 12800 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। तो दीपक भाई अभी बात करूं हमारे दूसरे ग्राफिक कार्ड मतलब आर्टिक सीरीज में, तो आर्टिक सीरीज में जो भी 2000 सीरीज है वो तो भी डिसकंटिन्यू हो चुकी है, तो वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और कोई दुकानदार के पास में पड़ा भी रहेगा तो ओपन बॉक्स रहेगा, 1 to 1.5 साल उसकी वारंटी बाकी रहेगी, वो आपको नया बोल के सिंगल टेप मार के चिपका के देगा तो भी आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास जो है अभी डायरेक्ट 3000 सीरीज में बॉक्स में ग्राफिक जो पड़े उसका मैं आपको प्राइसिंग दे देता हूं। पहले आपको ऑप्शन मिल जाएगा RTX 3050 ब्रांड में NO3D भी अवेलेबल है, गैलेक्सी भी अवेलेबल है, GDDR6 वाला एडिशन 8GB VRAM ग्राफिक कार्ड आएगा 128 bit का, और बात करूं उसे कूड़ा स्कोर की तो 2560 उसमें कूड़ा स्कोर आएगा, और प्राइसिंग आपको उसकी बैठ जाएगी ग्राफिक कार्ड की 19000 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। जो दीपक भाई हमारा नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड होने वाला है RTX 3060 ब्रांड में, हमारे पास में गैलेक्सी भी अवेलेबल है, NO3D भी अवेलेबल है और गीगाबाइट भी अवेलेबल है। प्राइसिंग की बात करूं 23200 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस ब्रांड उसमें आपको आ जाएगा NO3D गैलेक्सी का, और सेम अगर आप गीगाबाइट में लोगे तो वो आपको पड़ जाएगा 24200 मतलब 800 to 900 के डिफरेंस में आपको गीगाबाइट ब्रांड का भी ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा। 12GB VRAM के साथ में आएगा GDDR6 ग्राफिक कार्ड है 192 bits का। बात करूं से कूड़ा स्कोर की, उसमें आपको कूड़ा स्कोर मिल जाएगा 3584। बात करूं हमारे नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड की, तो आपको आ जाएगा 3060 Ti 3060 Ti 8GB VRAM वाला ग्राफिक कार्ड आ जाएगा 256 bits का GDDR6। और बात करूं अगर उसमें कूड़ा स्कोर की, तो कूड़ा स्कोर उसके अंदर आ जाएगा 4864 कूड़ा स्कोर मिल जाएगा उसके अंदर, और उसमें मेरे पास खाली ब्रांड ऑप्शन अवेलेबल है गैलेक्सी एंड ज़ोटेक दोनों का सेम प्राइस है 29500 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस। बॉक्स पैक मटेरियल है लेकिन 2022 के मैन्युफैक्चरिंग वाला मेरे पास स्टॉक पड़ा है, 2023 के मैन्युफैक्चरिंग वाला आना बंद हो गया मेरे पास माल, तो फिलहाल मेरे पास 2022 के मैन्युफैक्चरिंग वाला पड़ा है, लेकिन बॉक्स पैक प्रॉपर बॉक्स पैक रहेगा, आप चेक कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, प्राइसिंग आपको बैठ जाएगा 29500 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस। तो ठीक है भाई, ये तो हो गया हमारे 3000 सीरीज ग्राफिक कार्ड, अभी 4000 सीरीज के बारे में बात करते हैं। उससे पहले मेरे को आप ये बताइए, अगर कोई मतलब अभी लेटेस्ट बिल्ड करा रहा है 3000 सीरीज पे जाए या 4000 सीरीज पे ही जाना बेस्ट होगा? मेरे हिसाब से तो भाई लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट जो अभी प्रोडक्ट है उस पे जाओ, क्योंकि आपको सही रहेगा। देखो दीपक भाई, 3000 और 4000 में ऐसा है कि अभी जो खाली 3000 सीरीज से जो बॉक्स पैक ग्राफिक कार्ड मार्केट में मिल रहा है 3050 एंड 3060 है, 3060 Ti है अभी मार्केट में नहीं मिल रहा है, मेरे पास ओल्ड स्टॉक पड़ा है इसलिए मैंने उसका प्राइसिंग दे दिया वीडियो में। लेकिन अगर आप 3050 को 4000 सीरीज से ग्राफिक कार्ड से डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते हो, हाँ 3060 को कंपेयर कर सकते हो 4060 के साथ में, लेकिन ज्यादा परफॉर्मेंस गैप नहीं है उसके अंदर, प्राइस गैप भी ज्यादा नहीं है, हार्डली 3 to 4000 का प्राइस गैप है। लेकिन अगर मेरे सजेशन के हिसाब से आप जाओ तो 3060 भी आप बॉक्स पर ग्राफिक कार्ड ले सकते हो, और जिधर आपका 3-4 हजार बच रहा है वो आप रैम में या एसएसडी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट 4000 सीरीज के ग्राफिक कार्ड है उनकी प्राइस भी भाई काफी ज्यादा कम है, मतलब 3 to 4000 का मिनिमल गैप है हार्डली, मतलब 4060 Ti देख लो, 3060 Ti तो भाई देखो 2500 में जो मैं दे रहा हूं तो ओल्ड स्टॉक है इसलिए, बाकी 4060 एंड 3060 में प्राइस गैप देखोगे तो हार्डली 3 to 3 से 2000 का गैप आएगा, तो उसमें अगर आप प्राइस गैप ज्यादा नहीं है और परफॉर्मेंस गैप भी ज्यादा नहीं है तो आप 3060 में
भी जा सकते हो और जो आपका 2-3 हजार बच रहा है आप रैम में भी इन्वेस्ट कर सकते हो और एसएसडी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 3000 सीरीज के बारे में बात। अभी हम बात करते हैं 4000 सीरीज के बारे में। तो दीपक भाई, जो 4000 सीरीज में आपको ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा 4060, उसमें ब्रांड मेरे पास Inno 3D भी अवेलेबल है, गैलेक्सी भी अवेलेबल है, Zotac भी अवेलेबल है, Gigabyte भी अवेलेबल है। तो उसमें अगर मैं आपको प्राइसिंग की बात करूं तो 26000 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस में आपको Inno 3D का कार्ड मिल जाएगा। और ब्रांड में अगर आप देखोगे गैलेक्सी वगैरह, Gigabyte वगैरह, Zotac जो भी है, तो हार्डली 500-2000 रुपीस का डिफरेंस आएगा। 8GB वीरम वाला ये कार्ड आता है, 128GB का ग्राफिक कार्ड है, GDDR6 एडिशन। और अगर बात करूं कूड़ा स्कोर की तो 3072 उसमें कूड़ा स्कोर मिलता है। नेक्स्ट जो ग्राफिक कार्ड रहेगा अपना वो रहेगा 4060 Ti। 4060 Ti आपको मिल जाएगा 35500 में। ये मैंने आपको Gigabyte ब्रांड की प्राइसिंग बताई है। अगर आप दूसरे ब्रांड में भी लेते हो, फॉर एग्जांपल Asus हो गया, Galaxy हो गया, तो उसमें जो भी रहेगा हार्डली 500-2000 रुपीस का डिफरेंस आएगा। मैं जो भी प्राइसिंग बता रहा हूं, आप सब ब्रांड में ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास में, लेकिन जो भी प्राइस रहेगा 500-1000 रुपए का आएगा, उसके ऊपर नहीं आने वाला है। तो 4060 Ti आपको 35500 में मिल जाएगा ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस। बात करूं इसमें स्पेसिफिकेशन की तो 8GB वीरम वाला ये ग्राफिक कार्ड है, GDDR6 128GB का ग्राफिक कार्ड है। बात करूं उसके अगर कूड़ा स्कोर की तो कूड़ा स्कोर इसमें आपको मिल जाएगा 4352 कूड़ा स्कोर है। और नेक्स्ट जो हमारा ग्राफिक कार्ड रहने वाला है, नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड अपना 4070 जिसके अगर प्राइसिंग की बात करूं तो 52000 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस में हमारे पास में मिल जाएगा। और अपना नेक्स्ट जो ग्राफिक कार्ड रहेगा 4070 Ti जो एडिशन रहेगा अपना, वो आपको मिल जाएगा 71000 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस में। वो भी 12GB वीरम वाला ग्राफिक कार्ड है, GDDR6S ग्राफिक कार्ड है, 192 बिट का वो भी ग्राफिक कार्ड होने वाला है। अगर उसके बात करूं कूड़ा स्कोर की तो 7680 कूड़ा स्कोर उसमें भी आपको मिल जाएगा। जो नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड होने वाला है 4070 Super, जो न्यूली लॉन्च ग्राफिक कार्ड है, वो आपको आ जाएगा 12GB वीरम के साथ में, GDDR6S एडिशन है, 192 बिट का ग्राफिक कार्ड है। और बात करूं अगर कूड़ा स्कोर की तो उसमें आपको कूड़ा स्कोर मिल जाएगा 7168 कूड़ा स्कोर मिल जाएगा। सो दीपक भाई, जो अपना नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड होने वाला है 4080 16GB वीरम वाला ग्राफिक कार्ड है ये। इसकी बात करूं प्राइसिंग की तो 1,12,000 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस में आपको मिल जाएगा। और बात करूं उसकी पूरी स्पेसिफिकेशंस की तो 16GB इसमें वीरम है, 256 बिट्स का कार्ड आता है और GDDR6X वाला ग्राफिक कार्ड है। और बात करूं कूड़ा स्कोर की तो 9728 इसमें आपको कूड़ा स्कोर मिलता है। नेक्स्ट जो अपना ग्राफिक कार्ड होने वाला है RTX 4090 1490 ग्राफिक कार्ड मिलने वाला है 24GB वीरम के साथ में। बात करूं इसके प्राइसिंग की तो ये आपको आ जाएगा 1,95,000 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस। ब्रांड में मेरे पास 4090 में सिर्फ अभी फिलहाल Zotac अवेलेबल है, Trinity OC एडिशन। बात करूं इसमें 24GB वीरम आता है, GDDR6X ग्राफिक कार्ड है और ग्राफिकल बिट इसमें आएगा आपको 384 ग्राफिकल बिट। और अगर इसे कूड़ा स्कोर की बात करूं, इसमें आपको कूड़ा स्कोर मिल जाएगा और 16,384 कूड़ा स्कोर मिल जाएगा इसमें आपको। तो ठीक है, ये थी आज की वीडियो में, हमने सभी ग्राफिक कार्ड की प्राइसिंग के बारे में बात की। ग्राफिक कार्ड की प्राइसिंग जो है अभी काफी ज्यादा सही हो चुकी है, बेस्ट टाइम बोल सकते हो। अगर किसी को पीसी बिल्ड कराना है, जो भी एड्रेस है, स्टोर का नंबर है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो, विजिट कर सकते हो Infinity Gadgets मुंबई को। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करो।